दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं SFF वाले पीसी के बारे में, यानी स्मॉल फॉर्म फैक्टर वाले पीसी के बारे में, जिसके अंदर आप चाहें तो लो प्रोफाइल वाले ग्राफिक कार्ड को लगा करके उसको अपग्रेड भी कर सकेंगे, साथ में प्रोसेसर को भी अपग्रेड कर सकते हैं, सारी चीजें इसकी अपग्रेड हो जाएंगी। ऐसे पीसी के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं जो कि बिल्कुल ब्रांडेड हैं, बहुत ही कमाल के हैं। इस स्पेसिफिकेशन में अगर आप इसको बिल्ड करते हैं तो आप बिलीव कीजिए ये महंगे पड़ने वाले हैं, लेकिन ये ऑलरेडी बने बनाए रिफर्बिश्ड हैं जो कि एक बहुत अच्छे प्राइस में हैं। ये सारे के सारे आप इनको रिन्यूड कह सकते हैं, रिफर्बिश्ड कह सकते हैं, सेकेंड हैंड कह सकते हैं, लेकिन ये रिन्यूड रिफर्बिश्ड होकर के आते हैं। ये बिल्कुल भी परफेक्ट करके आते हैं, कोई प्रॉब्लम है तो उसको सही करके ये आते हैं मार्केट में, अमेजोन के माध्यम से हमें मिलते हैं, जो कि मैक्सिमम सही मिलता है, लेकिन अमेजोन पर ही बहुत सारी धांधली होती है। आप लिंक से हट करके बाय ना करें, क्योंकि हम लोग कोशिश करते हैं अपने एक्सपीरियंस के आधार पर जो सही सेलर है उसका लिंक हम लोग देने की कोशिश करते हैं, क्योंकि अमेज़न पर धोखा भी बहुत हो रहा है। तो इन सबसे बचने के लिए आप लिंक से बाय करें, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, लेकिन वीडियो पूरी देखनी जरूरी है, इससे ये पता लगेगा कि आपके जरूरत के हिसाब से कौन सा पीसी आपके लिए बेहतर हो सकता है। वीडियो बहुत इंफॉर्मेटिव होने वाली है, बाकी इन सभी को वन बाय वन करके मैं बाय करके अपने नए चैनल बाबा टेक रिव्यू चैनल पर इन सभी का अनबॉक्सिंग कंप्लीटली डेप्थ रिव्यू करने वाला हूं, ओपन भी करके दिखाने वाला हूं, इसीलिए वो चैनल आपके लिए बहुत ही यूजफुल हो सकता है। जाकर के आप उस चैनल को सब्सक्राइब करें, उस चैनल के साथ बने रहें, क्योंकि एक से एक वीडियोस वहां पे आनी है। और साथ में कई बार क्या होता है कि किसी भी मॉडल, कोई भी टेक्निकल प्रोडक्ट जो है, कंप्यूटर वाले प्रोडक्ट हैं, उनका कर्व बहुत ही ज्यादा प्राइस का डाउन आता है, अचानक ही कुछ घंटों के लिए बहुत ही डाउन होता है, तो उसका इंफॉर्मेशन हम लोग जो है टेलीग्राम चैनल पे देते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप उसको ज्वाइन कीजिए, बने रहिए, कई बार बहुत ही बड़ा फायदा आपका हो सकता है, इसीलिए आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए, बने रहिए वहां पर भी और इस चैनल पर भी। एक से एक वीडियोस मैं लेकर के आता रहता हूं, वीडियो पसंद आती है तो प्लीज लाइक कर दीजिए, इससे हमारा हौसला बढ़ता है। आइए दोस्तों, आगे हम लोग समझते हैं कौन कौन से मॉडल है जिनका बजट बहुत ही कम है, उनके लिए मैं बात करूंगा। सबसे पहले जिनका 6,000-6,500 तक का बजट है, उनके लिए अभी फिलहाल एक पीसी बहुत ही कमाल का है। जिस वक्त ये वीडियो देख रहे हैं, अगर इस बजट में मिलता है जो मैं बजट बताने वाला हूं, आंख बंद करके आप इसको लीजिए, मजा आ जाने वाला है। यह है एसर का वेरिटोन मॉडल और ये i5 फोर्थ जनरेशन के साथ में है, बजट बहुत ही कम है, फोर्थ जनरेशन के साथ में है। फोर्थ जनरेशन पर पीसी हमने बिल्ड किया है अपने नए चैनल पर, जाकर के देख सकते हैं, उस पर मैंने पूरा टेस्टिंग किया हुआ है, गेमिंग को टेस्ट किया हुआ है, क्या क्या कर सकते हैं वो हर चीज़ हम लोग उस पर कर रहे हैं, लगातार वीडियो आ रही है, एक से एक GPU लगा करके लगातार वीडियो आ रही है, इसके औकात का आपको वहां पर पता लगेगा, क्योंकि यही सिम कॉन्फ़िगरेशन को हम लोगों ने वहां पर बनाया हुआ है। 8GB DDR4 रैम है, 256GB SSD है, विंडोज 10 प्रो के साथ में ये आने वाला है, 11 में भी अपग्रेड कर पाएंगे, थोड़ा जुगाड़ करना पड़ेगा, वैसे विंडोज 10 इस पे बहुत अच्छा चलता है, विंडोज 10 पर ही हम लोग सारी चीजें ट्राई कर रहे हैं। 6,500 में ये मिल रहा है पीसी, वो भी एसर जैसा ब्रांड मिल रहा है, ब्रांडेड मिल रहा है, कमाल का पीसी है 6,500 में। अगर आप इसको सारी चीजें लोकल लगा करके, मदरबोर्ड लोकल लगाएंगे, रैम लोकल लगाएंगे, तब भी ये 8,000 से प्लस जाएगा, तो बेहतर होगा कि आप इस वाले मॉडल को बाय कर लीजिए, बहुत ही अच्छा प्राइस है, बहुत ही मॉडल है। बाकी अगर हम पोर्ट की बात करें बाइक साइड में, तो सारे पुराने वाले पोर्ट मिल जाते हैं, साथ में DP पोर्ट भी दो देखने को मिलेगा, एक VGA पोर्ट देखने को मिलेगा, DVI पोर्ट देखने को मिलेगा, USB 3.0 भी पोर्ट देखने को मिलेगा, USB 2.0 पोर्ट देखने को मिलेगा, यानी भर भर के पोर्ट दिए हुए हैं, किसी भी पोर्ट की सीरियल पैरेलल पोर्ट वगैरह सब कुछ मिलता है, किसी भी पोर्ट की कमी नहीं है, RJ45 हर चीज मिलता है इसके अंदर, सिमल्टेनियस आप इस पे चार चार डिस्प्ले चला सकते हैं, कमाल का मॉडल है। इसको मैं बाय करने वाला हूं, करके इसका रिव्यू करूंगा, उस चैनल पर बने रहें, इन सब का रिव्यू देखने को मिलेगा। इस बजट में अगर होता है बिल्कुल आंख बंद करके बाय कर लीजिए, अगर ये स्पेसिफिकेशन अगर आपको चाहिए तो। बाकी नेक्स्ट की अगर हम बात करें तो आगे चलते हैं, HP की तरफ से आने वाला HP 285G2 मॉडल, ये AMD की तरफ से आने वाला है, कम बजट जिनका है, यानी कि 10 के अंदर ही लेना है, इसका प्राइस 7,500 रुपए है, बहुत ही कमाल का प्राइस है। 7,500 में मिल क्या रहा है आपको, AMD 8 प्रोसेसर मिल रहा है, 16GB रैम मिल रहा है, 256GB SSD मिल रहा है, विंडोज 10 प्रो मिल रहा है। अभी काफी लोग कंफ्यूज हो गए कि AMD का A8 प्रोसेसर ये कैसा परफॉर्मेंस देगा, तो थोड़ा सा मैं आइडिया आपको देना चाहूंगा, जो लोग यूपी से होंगे तो यूपी में अखिलेश सरकार में जो है एक लैपटॉप बटा हुआ था जो कि A4 के साथ में था, और A4 वाले लैपटॉप के प्रोसेसर में लोगों ने बहुत ही ज्यादा दुकानों पर लोगों ने अपना काम किया था, ऑनलाइन फॉर्म फिलअप करना है वो काम किया था,
डिजिटल स्टूडियो का काम किया था, कोरल ड्रा को लोगों ने खूब इंजॉय किया था, बहुत ही अच्छे लेवल से लोगों ने बिजनेस किया था, लेकिन वो लैपटॉप के अंदर लैपटॉप का प्रोसेसर A4 था और ये डेस्कटॉप का प्रोसेसर A8 है। आप समझ सकते हैं उससे कितना गुना फास्ट रहने वाला है। तो इसीलिए आप इसको हल्के में ना लें, जिस बजट रेंज के अंदर ये आने वाला है बहुत ही कमाल का ये पीसी रहने वाला है। मात्र 7,499 रुपए में ये कहीं ना कहीं बहुत अच्छा पीसी रहने वाला है। बाकी नेक्स्ट मॉडल की अगर हम बात करें तो एचपी के अंदर ही एचपी एलाइट डिस्क 800G2 मॉडल है और ये i5 6th जनरेशन के साथ में है, विंडोज 11 में अपग्रेडेड है, 16GB DDR4 रैम है, 512GB SSD है, बहुत ही कमाल का स्पेसिफिकेशन है, विंडोज 11 में भी अपग्रेडेड है, आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। प्राइस 12,500 रुपए है और इसके भी अंदर पोर्ट जो है आपको सारे मिल जाते हैं। 2 DP पोर्ट देखने को मिलता है, एक VGA पोर्ट देखने को मिलेगा, HDMI इसके अंदर नहीं दे रहा है। HDMI की अगर आपको जरूरत है तो DP to HDMI कन्वर्टर आपको लगाना पड़ेगा, PS2 के कनेक्टर आपको मिल रहा है, USB 3.0 देखने को मिल रहे हैं सारे के सारे बैक साइड में। कमाल का पीसी ये भी रहने वाला है, HP जैसा ब्रांड जो है आपको मिल रहा है, ब्रांडेड मिल रहा है। अगर आप 6th जनरेशन को i5 के साथ में, अगर इस स्पेसिफिकेशन के साथ में अगर आप इसको बिल्ड भी करने की कोशिश करते हैं तो ये 15,000 को पार करेगा। उसके अंदर भी आपको मदरबोर्ड लोकल लगाना होगा, रैम लोकल लगाना होगा, पावर सप्लाई लोकल लगानी होगी, ये तो सारी चीजें कंपनी की ब्रांडेड है, तो इसीलिए इस बजट में बहुत ही कमाल का परफॉर्मेंस ये दे सकता है। बाकी नेक्स्ट की अगर हम बात करें तो डेल के अंदर आ जाते हैं, डेल ऑप्टिलेक्स 5040, ये भी बहुत ही प्यारा मॉडल है, i5 6th जनरेशन के साथ में है, 8GB रैम है, 256GB SSD है, विंडोज 10 प्रो के साथ में ये आने वाला है, बहुत ही बेहतरीन। इसके भी अगर हम पोर्ट की बात करें तो बैक साइड में आपको जो है 2 DP पोर्ट देखने को मिल जाता है और एक HDMI देखने को मिल रहा है, बाकी USB 3.0 वाले पोर्ट मिल रहे हैं, USB 2.0 वाले पोर्ट मिल रहे हैं, RJ45 मिल रहा है, ये सारे के सारे पोर्ट जो है बैक साइड में फुल डेस्कटॉप की तरह मिलने वाला है, आपको कुछ भी सोचने की जरूरत नहीं, और सब कुछ ब्रांडेड, डेल जैसा ब्रांड जो है इतना बेहतरीन जो स्पेसिफिकेशन है, अंदर स्टोरेज को और भी और जो है आप अपग्रेड कर सकते हैं। प्राइस बहुत कमाल का है, मात्र 10,499 में, और क्या ही आपको चाहिए। इन सब पीसीस को आपको असेंबल करने की जरूरत नहीं है, नहीं तो ये महंगे पड़ेंगे, बना बनाया लीजिए, ब्रांड लीजिए, लोकल असेंबल करने से क्या फायदा है। वैसे हम लोग इन सबको टेस्ट करेंगे, बस न्यूज चैनल को जाकर के सब्सक्राइब कीजिए, उसके साथ बने रहें और वीडियो को प्लीज लाइक करके हमारा हौसला भी बढ़ाते रहें। नेक्स्ट मॉडल की तरफ चलते हैं, डेल के अंदर ही 6th जनरेशन ही है, i5 का 6th जनरेशन, 16GB रैम बढ़ गया, 1TB हार्ड ड्राइव है और 128GB SSD है, यानी कि जो SSD है इसके अंदर, उसके अंदर जो है आप ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करेंगे और बाकी जो है डाटा स्टोरेज के लिए आप 1TB का हार्ड ड्राइव यूज करेंगे इसका, जो कि एक बहुत अच्छा शानदार स्पेसिफिकेशन है, विंडोज 10 प्रो के साथ में ये आता है, बाकी पोर्ट्स वगैरह सब कुछ उतना ही है जितना हमने पिछले वाले में बात किया। प्राइस 12,599, इस प्राइस में बहुत अच्छा पीसी ये भी रहने वाला है। अगर जो मैं प्राइस बता रहा हूं, अगर ये प्राइस रहा जिस वक्त वीडियो देख रहे हैं, तो आपको सोचने की जरूरत नहीं है और कम बजट में ये स्पेसिफिकेशन आपको जो है असेंबल्ड करवाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो महंगा पड़ेगा। डेल के अंदर ही i5 6th जनरेशन है, 16GB रैम है, 2TB हार्ड ड्राइव इसके अंदर लगी हुई है और 128GB SSD, जो कि ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल है इसके अंदर, MS Office सब कुछ इसके अंदर मिल रहा है, 2TB हार्ड ड्राइव है, बहुत ज्यादा स्टोरेज जिनको चाहिए वो लोग इस मॉडल को बाय कर सकते हैं। इसका प्राइस 13,790 है, बहुत ही बेहतरीन प्राइस है। तो ये थे सारे के सारे स्मॉल फॉर्म फैक्टर के अंदर आने वाले पीसी, जो कि छोटे में है, टेबल पे रखे हुए बहुत ही प्यारे लगते हैं, लेकिन कमाल के प्राइस है इस वक्त। जिनका बजट कम है, मत पड़ो न्यू के पीछे, मत असेंबल के पीछे पड़ो, इनमें से जो आपके बजट में बैठता है आप बाय कर लो, आप सुखी रहोगे, मजा आ जाएगा आपको। बाकी दोस्तों, ये वीडियो इन्फॉर्मेशन आपको कैसा लगा प्लीज आप कमेंट में जरूर बताएं। इसी प्रकार के तमाम वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, चैनल के साथ बने रहें, क्योंकि मैं इस तरह के तमाम वीडियोस मैं लेकर के आता रहता हूं। मिलते हैं वीडियो में किसी और अच्छी इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ में। पूरी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आप सभी का बहुत बहुत दिल से धन्यवाद करता हूं। आपका दिन शुभ हो।